हम बात कर रहे हैं एक बूढ़े व्यक्ति की जो चाय बेचकर अपने परिवार और बच्चों का गुजारा करता था। बात उस समय की है जब उसे अपनी दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। फिर क्या, उसने दुकान के अंदर जो देखा उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, आखिर क्या हुआ उस दिन उसकी दुकान में, ये खास इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, हिमाचल प्रदेश में ठंड में कुछ सेना के नौजवान देश की रक्षा कर रहे होते हैं। वे वहां से रास्ते में गुजर रहे थे और उन्हें ज्यादा ठंड लगती है। चेक पोस्ट भी बहुत दूर थी, उन्हें भूख भी लग रही थी और साथ ही थका हुआ महसूस भी कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि आसपास कहीं रुक जाते हैं। आसपास देखने पर कोई भी दुकान नहीं थी, सिर्फ एक चाय की दुकान उन्हें नजर आ रही थी। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस चाय की दुकान पर जाया जाए और एक एक कप चाय पी जाए। लेकिन जब वो वहां पहुंचते तो वहां देखते हैं कि दुकान बंद है। उसके सामने आराम करने के लिए वह बैठ जाते हैं। उनके दिमाग में आता है कि शायद ये चाय की दुकान कोई खोल कर गया होगा, लेकिन देखते हैं तो ताला लगा पड़ा था। ऐसे में वो चाय की दुकान का ताला तोड़ देते हैं, खुद ही चाय बनाते हैं, बिस्कुट खाते हैं और उस चाय का आनंद लेते हैं। और वहां पर कुछ रखा भी था सामान खाने पीने के लिए, तो वह उसे भी उठाते हैं और खाते हैं। ऐसे में फिर वो सोचते हैं कि उन्होंने दुकान का ताला तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तो सभी आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और उस चाय की दुकान पर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इस चाय की दुकान की वजह से उनकी थकान उतर गई है, उनकी मदद भी हो गई है, इसीलिए खुशी खुशी में वो वहाँ एक्स्ट्रा पैसे रख देते हैं और आगे चले जाते हैं। दो तीन दिन बाद वह उसी रास्ते में वापस आते हैं और देखते हैं कि वह दुकान खुली हुई है। तो वह सोचते हैं, चलो देखते हैं कि इस दुकान में आखिर चाय बनाता कौन है और ये दुकान किसकी है। वो जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहा है। वह उस बुजुर्ग से बोलते हैं, काका हमारे लिए भी चाय बना दो, और उस आदमी से बात करने लगते हैं। ऐसे ही बात करते करते वह बताता है कि भगवान हमारी हमेशा मदद करता है, भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है। तभी वह सब सेना के अधिकारी उससे पूछते हैं कि आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है। उन्होंने उससे पूछा कि आपने स्वयं भगवान को देखा है जो आप ये विश्वास से कह रहे हैं, और वो भी इतना गहरा विश्वास, तो आपने जरूर भगवान को देखा होगा। तो वह अपनी सच्ची घटना उन्हें बताते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं कुछ दिन पहले अपने बेटे के साथ अस्पताल गया था, वो बहुत बीमार रहता है। उसका इलाज करवाने के लिए जब मैं अस्पताल गया तो वहाँ पर बहुत पैसों की जरूरत थी, और मैं अपनी दुकान भी बंद करके आया था। मेरी दुकान से ही मेरा घर चलता है। मैं भगवान को हमेशा याद करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर भी भगवान को ही याद कर रहा था। मेरे हॉस्पिटल में होने की वजह से मेरे घर की आमदनी बंद हो गई थी। जो पैसे मैंने बचा रखे थे वो बेटे के इलाज में लगा दिए। उसके अलावा मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, घर कैसे चलता मैं यही सोच रहा था। और दो तीन दिन से मेरी दुकान भी बंद पड़ी थी। जब मैं वापस आया, मैंने देखा मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। ये देखकर मैं बहुत डर गया, मैं बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब मैं अंदर आया तो मेरे दिल को तसल्ली मिली। मैंने देखा जितने दिन मेरी दुकान बंद रही है उतने दिन के पैसे मेरे गले में पड़े हुए हैं, और तो और कुछ ज्यादा पैसे ही रखे हुए थे। ऐसे में मैं समझ गया कि ये स्वयं भगवान का ही चमत्कार है, जिन्होंने अपने भक्त की परेशानी में भी इतनी बड़ी मदद कर दी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान हर जगह होते हैं और हमारी हमेशा मदद के लिए आते हैं। ऐसा देखकर और उनका पूर्ण विश्वास देखकर वह नौजवान कुछ नहीं बोले। सेना के अधिकारी चुप रहे और चुपचाप चाय पीते रहे और भगवान के गुणगान गाते रहे और वहां से पैसे देकर निकल गए। दोस्तों, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बात सच है, भगवान हमारी मदद करने के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी जानवर के रूप में, या फिर किसी निर्जीव वस्तु के रूप में भी आते हैं। तो दोस्तों, मुख्यतः ये होता है कि आप अपनी जिंदगी में उन्हें महसूस करते हैं या नहीं करते। जब भी संकट हो, दिल पे हाथ रखिए और ऑल इज वेल की जगह हर हर महादेव बोलिए। शायद भगवान का चमत्कार आपके सामने आपको पूर्ण रूप से दिख जाए। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए, किसी न किसी प्रकार से भगवान हमेशा मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।